हमारे आंदोलन को 6 महीने हो गए, सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। एक तो लोगों को बताने के लिए भाई 6 महीने से हम आए हैं लोकराज सिस्टम के अंदर, जमहूरी राज के अंदर, ये घूमने वाली सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। 6 महीने हमारे लगे हुए मोर्चे को अनुरोध किया सरकार ने, लोगों को ये बताने के लिए हमारे रोड पर प्रदर्शन कर। दूसरा ये बात है कि मोदी सरकार के 7 साल कार्य पूरे हो रहे हैं आज। 7 साल में लोगों ने देश की इकोनॉमी का क्या हाल कर दी, बेरोजगारी का क्या हाल कर दिया है, और उसके अंदर जिन्हें पब्लिक सेक्टर को और दूसरी कारपोरेट सेक्टर को बेचकर बहुत मंदा हाल किया है बेरोजगारी का, इसकी देश की इकोनॉमी का GDP डाउन हो गई है, इसकी हालत बताने के लिए इसमें उसके बाद में इसी दौरान कोरोना महामारी आई है। कोरोना महामारी का भी इसके पास कोई प्रबंध नहीं, ना ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर है, ना दवाइयाँ हैं, ना स्टाफ पूरा है। 3 लाख के आसपास लोग मौत के घाट उतर गए हैं, लाशें संभाली नहीं जा रही, इसमें भी ये फेल हुई है। इसके मोदी सरकार हर फ्रंट पर फेल है, ये लोगों को बताने के लिए हम लोग मार्च कर। मार्च है नवगढ़ से शुरू होगा, उसके बाद में इन शहरों में चंगनाओं पता नहीं नवा गांव है शायद, उसके बाद में कितने लोग शामिल हैं, 200 लोग जा रहे हैं मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियों। लोगों को बताने के लिए भी लोगों को पहले बताया हुआ हुई है, उनको बताने के लिए और अवेयर करने के लिए और जिंदगी जागती मिसाल देने के लिए कि हम प्रदर्शन के अंदर उसी तरह बरकरार हैं जैसे पहले। तो सरकार को जो बातचीत का प्रस्ताव भेजा था उसका जवाब आया क्या? नहीं, बिल्कुल। आज का रोज प्रदर्शन हिंदुस्तान में क्या फूल खिलाता है, कैसा हंगारा मिलता है, हमें लोग कैसा हंगारा देते हैं इस प्रदर्शन को, उसके हिसाब से के लोगों के मनों में क्या है, हमारे लिए कितनी हमदर्दी है इस आंदोलन के साथ, उसके मुताबिक एक प्रोग्राम।